हेलो, वेलकम टू स्टडी फोरम। स्टडी फोरम में गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप पता है कि हम लोग आईटी लिटरेसी का क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंप्यूटर का। तो ये बेसिक्स क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हमने तीन वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, ये चौथा करने जा रहे हैं। यदि आप कहेंगे और भी सीरीज़ बढ़ाने का, तो हम और भी सीरीज़ बढ़ा देंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप कंप्यूटर के बारे में और वीडियो मुझसे ना बनवाइए, क्योंकि ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस बने पड़े हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे बहुत से सारा, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा उस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए मिल जाएंगे। यदि कोई नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम ज़रूर वीडियो बना देंगे। चलिए फिर बिना देर करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, भले ही मैं इसको पूरी तरीके से हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूँगा, डिस्कस करूँगा। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, उसको हम इसका जवाब दे देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू एंड ऑफ द पेज यू हैव टू प्रेस। देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट में, यानी कोई आप डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हो अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर में, कुछ टाइप कर रहे हो वर्ड फाइल पे, तो उसके पेज के एंड में जाना हो, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू एंड ऑफ अ पेज, देख कह रहा है ना, सॉरी एक बार, ठीक है। तो उस पेज के एंड में जाना हो तो आपको क्या प्रेस करना होगा? तो गाइस कीबोर्ड में देखेंगे एंड का एक आइटम होता है, कीज़ होती है, बटन होती है, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको पेज के एंड पे लेके चला जाएगा, ठीक है। द पैटर्न ऑफ द प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड। देखिए, एक पैटर्न कह रहा है जो होता है, एक लाइन जो होती है ऐसे ऐसे लिखी, सॉरी ऐसे ऐसे बनी होती है, हर प्रोडक्ट पे होती है, आप देखे होंगे। ये होता क्या है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये होता है गाइस बार कोड होता है, ठीक है। बार कोड होता है, इसको जब स्कैन करा जाता है स्कैनर से, तो पूरी डिटेल्स प्रोडक्ट्स के बारे में दे दी जाती है, कि वो डिटेल, वो प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपायरी डेट कितनी है, उसका रेट कितना है, यानी प्राइस कितनी है, और कब उसका मैन्युफैक्चरर कंपनी के नेम, सारा का सारा उसमें डिटेल दे जाता है, ठीक है। तो बार कोड वो होता है, प्रिंटेड लाइन होती है किसी भी प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज अ बोथ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। देखिए, इसमें से वो कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से काम करती है? तो कीबोर्ड जो होता है गाइज आपका इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है, मॉडम होता है, मॉडम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका इनपुट आउटपुट दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मॉडम का फुल फॉर्म मैं बता दूँ क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर इसको कहते हैं, कभी कभी मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन भी कहते हैं, लेकिन मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, ओ सी आर स्टैंड्स फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओ सी आर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओ सी आर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है, बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द वेब यू मस्ट हैव। देखिए, कह रहा है कि यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से जाननी हो, ठीक है, वेब से जाननी हो, वेबसाइट, कोई वेबसाइट कह लो या वेब के थ्रू जानना हो, कुछ भी जानना हो आपको इंटरनेट के द्वारा, आपको आपको जैसे किसी चीज़ के बारे में नहीं जानी, किसी बुक के बारे में जानना हो कि इस बुक के बारे में क्या क्या है, इस बुक की प्राइस क्या है, तो आप जाते हो लैपटॉप ओपन करते हो, साइबर कैफे पे जाते हो, नेट चलाते हो, तो नेट में करते क्या हो, सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन करते हो ना, तो ब्राउज़र के थ्रू ही आप हर चीज़ को सर्च कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरी इज अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड, ठीक है, सॉरी डायरेक्टरी इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी जो होती है उसको क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी कहते हैं, राइट आंसर ए। F5 जो होता है, की जो होता है हम किस लिए यूज़ करते हैं, रिफ्रेश द एक्टिव विंडोज़, ठीक है। आप कभी देखेंगे F5 को प्रेस करिए तो करता क्या है कि आपके विंडोज़ को रिफ्रेश करता है, ठीक है। द की यूज टू रिनेम द फाइल, ये कोई भी फाइल आपके सिस्टम में पड़ी हुई है, चाहे PDF फाइल हो, चाहे कोई भी फोल्डर भी पड़ा हो, फोल्डर को आपको रीनेम करना, रीनेम मतलब उसका नाम चेंज करना, लिखना है फिर से, तो आप या तो माउस से राइट क्लिक करके रीनेम वाले ऑप्शन पे जाएं, या अगर शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो F2 यूज़ कर दीजिए, F2 दबा देंगे तो वहाँ लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, आप लिख सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वॉन्ट टू बोल्ड देन यू विल प्रेस, यदि किसी लेटर को या किसी वर्ड को आप बोल्ड करना चाहते हो, बोल्ड मतलब हाईलाइट करना चाहते हो, जो दिखे हाईलाइट मोटा अक्षर में दिखे, उसमें होता है आपका आंसर कंट्रोल बी,
उसको सेलेक्ट करिए, डायरेक्ट कंट्रोल बी दबा दीजिए, आपका वो बोल्ड हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू कट द सेलेक्टेड आइटम यू विल प्रेस, कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी को कट कर लेते हो, ठीक है, ठीक, इफ़ यू वांट टू कट द सेलेक्टेड आइटम यू विल प्रेस, किसी भी सेलेक्टेड आइटम कंट्रोल ए से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, तो आप उसको कट करना होता है तो किससे करते हैं, तो कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एक्स करेंगे तो वहाँ से कट हो जाता है, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई क्या होता है भी क्वेश्चन नीचे हम करते हैं। विच की इज़ यूज टू ओपन द स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए कौन सा की यूज़ हम करते हैं, कंट्रोल प्लस एस्केप का यूज़ करते हैं। देखिए गाइज, यदि आपके पास सिस्टम हो, लैपटॉप हो, अगर नहीं है तो आप प्रिपरेशन करते हो, आसपास दोस्त होंगे उनके कंप्यूटर पे बैठिए, ये जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसको नोट कर लीजिए, आप करिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, आप जब अपने हाथ से करेंगे ना तो वो याद हो जाएगा और फिर वो उसको फिर नहीं भूलेंगे आप, इसलिए उसको ट्राई करिए। ऐसा नहीं कि आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, यार सिस्टम में कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप करेंगे ना इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और ये कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, सी इज़ अ राइट आंसर। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, तो देखिए जंक ईमेल जो होती है यानी कि बेकार फाइलें जो होती हैं ईमेल, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं स्पैम कहते हैं, ठीक। पोस्ट स्टैंड्स फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोस्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम इज नेटिवली यूज्ड बाय कंप्यूटर, कहने का मतलब ये है कि वो कौन सी इसमें से लैंग्वेज है, नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर यूज़ करता है। तो कंप्यूटर गाइस आपको पता है एक ही लैंग्वेज समझता है, जीरो और वन को समझता है, और जीरो वन नन क्या होता है, आपका बाइनरी नंबर होता है, यानी कि बाइनरी को समझता है। ये बात अलग है कि हेक्साडेसिमल ऑक्टल और डेसिमल हम लोग इसका यूज़ करते हैं ज़रूर, बट इसको फाइनली हम बाइनरी में ही कन्वर्जन करते हैं। आप कन्वर्जन भी पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। फाइंड द इनकरेक्ट वन, इसमें से क्या गलत है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ी चीज़ें आपको याद हो जा रही, इसमें क्या गलत है ये बताना है, ठीक है। तो पहला चेक कर लेते हैं, 1KB = 1024 बाइट, बिल्कुल ये सही है। तो देखिए इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे, 1KB जो होता है 1024 बाइट के होता है, बिल्कुल सही है। 1MB जो होता है 1024 किलोबाइट का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। 1GB 1024MB का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। 1TB जो होता है 1024GB का होता है, जीगाबाइट का होता है, बिल्कुल सही है। TB होता है टेराबाइट कहते हैं। 1PB जो होता है, PB होता है पेटाबाइट, 1024TB का होता है, बिल्कुल, यानी कि सारे के सारे सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द दिस, ठीक है। तो गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और आपके लिए याद कर लीजिए, मोबाइल में रहेगा, स्लाइड एक बार पलटते रहिएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले भी देख लेंगे तो याद हो जाएगा। हालांकि इस पर एक वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, यहाँ पे टीबी तक पीबी तक देखे हैं यार, हमने और डिटेल में पूरा बनाया है इसको। एलईडी स्टैंड्स फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, GUI stands for, वेरी इंपॉर्टेंट, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की यूज टू क्लोज द करेंटली एक्टिव प्रोग्राम्स, देखिए कोई भी आपका प्रोग्राम चल रहा हो, ठीक है, जैसे आप अपने लैपटॉप पे वीडियोस देख रहे हैं, मूवी चल रही हो आपके, या कुछ काम कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, या कुछ लिख रहे हो, या कुछ विंडोज ओपन हो, उसको बंद करने के लिए आपको शॉर्टकट क्या होती है, Alt+F4 दबा देंगे तो आपका ऑटोमेटिक कट जाता है। जैसे आप माउस लेके जाएंगे, कर्सर आप ले जाएंगे, क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्रॉस बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, Alt+F4 दबा देंगे तो ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू ओपन माय कंप्यूटर ऑन योर कंप्यूटर यू विल प्रेस, देखिए माय कंप्यूटर जो ऑप्शन होता है, जैसे आप अपने सिस्टम पे गए, माई कंप्यूटर पे जाते हैं तो आपकी ड्राइव दिख जाती है जिसमें जाना होता है, आप देख लेते हैं, तो उसको डायरेक्ट माउस का न यूज़ करके आप सिर्फ कैसे यूज़ कर सकते हो, तो Windows+E जो होता है शॉर्टकट यूज़ करके आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो इस चीज़ को,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज लॉन्च्ड इन, दुनिया का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कब लॉन्च किया गया था? 1971 में ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन यूज फॉर द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखिए पावर हमने लास्ट वीडियो में किया था, डॉक का किया था, डॉक्यूमेंट फाइल का, वर्ड फाइल का कह सकते हैं, यहाँ पे पावर पॉइंट करेंगे तो पावर पॉइंट PPTX होता है। XLS जो होता है आपका, मैंने सॉरी उसमें माफ़ करिए गलत बता दिया था, XSL हमने किया था, XLS होता है, ठीक है। ये होता है एक्सेल का होता है, ये पावर पॉइंट का होता है, ये डॉक का होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन यूज फॉर द इमेज फाइल, इमेज फाइल के लिए इसमें से कौन सा होता है? .jpg और gif, ये दोनों इमेज फाइल होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइल एक्सटेंशन यूज फॉर वीडियो, वीडियो के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? वीडियो फाइल होती है, उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? ये .mov, .mp4, ये सारे होते हैं, दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन यूज फॉर द ऑडियो और साउंड। देखिए फाइल एक्सटेंशन इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे डाला यार, मैं सोचा डालूँ नहीं, लेकिन मुझे पता था यार, देखो क्योंकि रेलवे जो होता है ना, कुछ भी पूछता है, बेसिक क्वेश्चन यही पूछ लेगा, और ये बेसिक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन में ही आते हैं, इसलिए हमने बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं। तो ऑडियो या साउंड के जो फाइल एक्सटेंशन होते हैं वो क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं, A and B, बोथ ऑफ द एबव। तो वीडियो के एक दो बार और देख लेंगे ना, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, आई होप कि आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा पेयर पूछ रहा है, क्या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपके दो तीन क्वेश्चन सही हो जाएंगे, देख लेते हैं। पहला है कट, कट जब हम करते हैं Ctrl+X करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, ये राइट है, इनकरेक्ट ये नहीं है। कॉपी के लिए हम क्या करते हैं? Ctrl+C, बिल्कुल ये सही है। पेस्ट के लिए क्या करते हैं? Ctrl+V, ये भी सही है, ठीक है, ये भी याद हो जाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए आप। सेलेक्ट ऑल के लिए क्या करते हैं? Ctrl+S, बिल्कुल सही है। फाइंड के लिए क्या करते हैं? Ctrl+F, ये भी सही है। अंडू के लिए Ctrl+Z, ये भी सही है। यानी कि नॉन ऑफ द एबव इज अ राइट आंसर, यानी इसमें सारे के सारे सही है, कोई भी गलत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से क्या करेक्ट है? इसमें भी देखिए आपके सही सारे कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ALU, बिल्कुल सही है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। CU, कंट्रोल यूनिट, ये भी सही है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सारे के सारे आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की फॉर मूव द कर्सर टू द बिगिनर ऑफ द नेक्स्ट वर्ड इज, ठीक है। तो कह रहा है किसी भी मूव करता है, बिगिनर जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+R, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ़ यू वांट टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन यू विल प्रेस। देखिए कोई भी लाइन आप लिख रहे हो, उस लाइन को लिखने से टाइप कर रहे हो, टाइप करते करते आप चाह रहे हो किसी लाइन के मतलब करंट लाइन के स्टार्टिंग में आ जाओ, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में आ जाओ लाइन। जैसे एक लाइन आपने लिखा, यहाँ पे लिख दी, फिर यहाँ पे लिख चुके, अब चाह रहे हैं किसी लाइन के पहले यहाँ पे हम आ जाएं, तो आप सीधे होम बटन दबा देंगे, आप यहाँ पहुँच जाएंगे भले आपका कर्सर यहाँ रह रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट यू विल प्रेस। अब डॉक्यूमेंट जैसे आप 4 से 5 लाइन लिख दिए हैं, आप यहाँ पे हैं, अब आप चाह रहे हैं कि हम डायरेक्ट उस डॉक्यूमेंट के पहले पेज पे पहुँच जाएं, ठीक है, यहाँ पे पहुँच जाएं, तो आप डायरेक्ट Ctrl+H दबा, होम दबा देंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन यही होम दबाते ना, जो भी पीछे हमने क्वेश्चन किया, तो आप यहाँ थे तो यहाँ स्टार्टिंग लाइन पे आ जाते, यही फ़र्क था दोनों क्वेश्चन में। जैसे देखिए यहाँ पे था, होम दबाने पे क्या था कि आप ये लाइन है इतना लिख दिए, यहाँ पे आप हैं, अब होम बटन दबा दिया आपने तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे कर्सर से। लेकिन ये इस वाले क्वेश्चन में क्या हमने किया था, इस वाले क्वेश्चन में Ctrl+Home दबा दिया था, Ctrl+Home जैसे इतना हमने लिख दिया 4 लाइन, आप यहाँ पे हो, Ctrl+Home दबा दिया तो ये कर्सर आपका डायरेक्ट यहाँ उठ के चला जाएगा, ठीक है, यानी कि पेज के स्टार्टिंग में आप आ जाते हैं। तो ये रहा गाइस 30 क्वेश्चन हो गए, आई होप कि आपको IT लिटरेसी से क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करते चलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।